गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के कलोल में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस बात को लेकर होड़ चल रही है कि मोदी को कौन ज्यादा गाली दे सकता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस में मोदी को नीचा दिखाने के लिए प्रतियोगिता चल रही है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं गुजरात का बेटा हूँ, आपने मुझे जो गुण दिए हैं, गुजरात ने मुझे वो ताकत दी है, गुजरात ने मुझे जो गुण दिए हैं, इसकी वजह से मैं इन कांग्रेसियों को परेशान कर रहा हूँ। अने कांग्रेस पार्टी आस्था ऊपर जितना अपमान था है, श्रद्धा ऊपर जितना अपमान था है, एमां जन मजा आवे छे, खबर नहीं शू थई गयू छे कांग्रेस ने। भाई चूंटणीओ हारीए पण एमां मानसिक संतुलन गुमावानुं कोई कारण छे? हार जीत चाल्या करे। अरे अमारो तो पहला एक जमानामां डिपोजिटो जती हती, पण अमे कोई दाड़ो आवुं नहोता करता। भाई आ कांग्रेस पार्टी, भाइयों बहनों, हूँ तो गुजरात नो दीकरो छू, आपे मने मोटो कर्यो छे, तमे ज मारा शिक्षक छो, तमे मने जे गुण आप्या छे ए गुण लईने हूँ आजे काम करवानो कोशिश करी रह्यो छू। परंतु आ कांग्रेस वाळा भाईओ ने आ गुजराते मारू जे घड़तर कर्यू छे ने, गुजराते मने जे संस्कार आप्या छे ने, गुजराते जे मने शक्ति आपी छे ने, ए एमने अखरे छे, एमने तकलीफ थाई छे। आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। काम करो वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देख कर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या है? जिसके बाद से ही भाजपा के कई नेता कांग्रेस पर हमलावर बने हुए हैं। पीएम मोदी की तुलना रावण से किए जाने पर भाजपा नेताओं में काफी आक्रोश भी देखा गया। यही वजह रही कि पीएम मोदी जब आज गुजरात के कलोल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जो अयोध्या में राम या भव्य राम मंदिर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं और राम सेतु का विरोध करते हैं, वो लोग मोदी को गाली देने के लिए रामायण से रावण को ले आए। कांग्रेस नहीं जानती ये राम भक्तों का गुजरात है। चुनावी रैली को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में कांग्रेस को निशाने पर रखा और एक के बाद एक कई हमले कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं पर किए। पीएम मोदी ने कहा, मैं सेवादार हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ने कभी पश्चाताप नहीं किया। मेरे लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बाद माफी मांगने की बात तो भूल ही जाइए। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पीएम मोदी की तुलना रावण से किए जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, इस देश के लोग पीएम मोदी को मसीहा मानते हैं, किसी के कहने मात्र से कोई रावण नहीं बन जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उन्होंने कहा, जब भी कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को गाली देने की कोशिश की है, चुनावों में इनकी जमानत जब्त हुई है, वे जितना गाली देंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। मोदी जी को रावण कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहेंगे? देखिए, किसी के कहने से कोई रावण नहीं होता और देश की जनता ये मोदी जी को और विशेष रूप से गरीब अपना मसीहा मानते, तो गरीबों के मसीहा को कुछ लोग गाली देते हैं। इससे पहले भी गाली देने का प्रयास किया है। जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली दी है, जनता ने इनकी डिपॉजिट जब्त किए, इनको विपक्ष का नेता भी नहीं दिया। जी जितने मोदी जी को गाली देंगे उतने नीचे जाएंगे, क्योंकि जनता को पसंद नहीं है। गोवा मध्ये एफईचं जे स्क्रीनिंग होतं, तिथे ज्युरी मेंबर ने इस्रायली प्रोपगंडा आणि वल्गर फिल्म असं सांगितलं। कश्मीर फाइल फिल्म में वहां का सत्य दिखाया गया है, रिसर्च के बाद, टेस्टिमोनियल के बाद चीजें उसमें दिखाई गई है और
भारत के सेंसर बोर्ड ने इसको मान्यता दी है, किसी को भी अधिकार नहीं पहुंचता कि उसके ऊपर कोई उल्टी सीधी बात कहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।